बिजली बोर्ड में 4,000 प्रमोशन और 2,600 भर्तियों पर फैसला जल्द आएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। सर्विस कमेटी के बाद आने वाले वित्तीय बदलावों पर मोहर लगाने के लिए फाइल वित्त विभाग को सौंप दी है। वित्त विभाग की राय के बाद बिजली बोर्ड में प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों को सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर निर्देश दे चुके हैं। गौरतलब है कि यह भर्तियां सर्विस कमेटी के माध्यम से होनी है, लेकिन लंबे समय से सर्विस कमेटी की बैठक को टाला जा रहा है, लेकिन सर्विस कमेटी से जुड़ी फाइल को सचिवालय में वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल भर्ती और पदोन्नति का ये पूरा मामला अधर में फंस गया है। बिजली बोर्ड में करीब 4,000 कर्मचारी सहायक लाइनमैन और सबस्टेशन इंचार्ज के तौर पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इनकी पदोन्नति के बाद निचले स्तरों पर पद खाली घोषित होंगे, इसके बाद बिजली बोर्ड इनमें भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर लगातार तारीखें तय की जा रही हैं, इसके बाद इन तारीखों को बदला जा रहा है। मौजूदा सरकार के सत्ता पर काबिज होने के बाद अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। एक सप्ताह में होगी सर्विस कमेटी की बैठक। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना का कहना है कि सर्विस कमेटी की बैठक जल्द आयोजित करने की तैयारी चल रही है। सर्विस कमेटी की बैठक की फाइल वित्त विभाग के पास चर्चा को भेजी गई है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन आगामी एक सप्ताह में बैठक आयोजित करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में ही फंसी हुई भर्तियों और पदोन्नति पर फैसला हो पाएगा। रुकी भर्तियों को लेकर करना चाहेंगे। दरअसल पेपर लीक के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से लेकर अब तक रुकी हुई भर्तियों पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और इनमें से करीबन 19 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दायरे में है और इसके साथ ही 8 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। अब असली दिक्कत यह है कि जिनका रिजल्ट अभी नहीं निकला है उन परीक्षाओं का क्या होगा। इनमें से कुछ ऐसे भी है जो पेपर लीक का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी इसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और वहीं इस बारे में मुख्य सचिव ने विजिलेंस ब्यूरो को एक एक कर सभी भर्तियों का जो डाटा है, रिपोर्ट है, वो देने को कहा है ताकि रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द घोषित किया जा सके, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोक सेवा आयोग जो है वो जांच के दायरे में जितनी भी भर्तियां फंसी हुई है उनको लेने से साफ मना कर चुका है। दूसरी तरफ विजिलेंस ब्यूरो सचिवालय क्लर्क भर्ती में अब नया केस दर्ज कर चुका है और अब ऑक्शन रिकॉर्डर में भी केस दर्ज करने की तैयारी है। ऐसे में रुकी हुई जो भर्तियों का रिजल्ट घोषित कब तक हो पाएगा, इसका रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं प्रदेश के युवाओं की बात तो काफी समय से परेशान है, चिंता में है कि एटलीस्ट जो भर्तियां हमलों में नहीं फंसी है, विजिलेंस दायरे में नहीं फंसी है, उनको सरकार बहाल करे, यानी उन पदों पर जो है जल्द से जल्द भर्तियां हो ताकि जो ये भर्तियों का प्रोसेस है कुछ तो आगे बढ़े और जो खाली पद है वो विभागों में भरे जा सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। तो फिलहाल इसमें अभी कोई भी जो है अपडेट सामने नहीं आई है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए भर्ती नियमों की आपको जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नए नियुक्त नियम अधिसूचित करने वाली है। 13 अप्रैल को कैबिनेट से अनुबंध कर्मियों को रेगुलर पोस्ट का 60% वेतन और 2 साल की अनुबंध अवधि को के प्रावधान को बदल दिया गया था। अब ये जो फाइल है वो वित्त विभाग से क्लियर हो गई है और अब इसे लॉ डिपार्टमेंट भेजा गया है। इसके बाद ये लोक सेवा आयोग जाएगी और उसके बाद अधिसूचना इस बारे में जारी हो सकती है और अधिसूचना जारी होने के बाद नए नियमों के तहत ही लोक सेवा आयोग क्लास डी की भर्ती का ज्ञापन भी जारी करेगा। भर्तियों का जो पूरा जिम्मा है वो आयोग को दिया गया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल प्रमोशन की भी बात करना चाहेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्लेसमेंट के जरिए होने वाले प्रिंसिपल प्रमोशन से पहले बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। करीब 34 प्रिंसिपल सरकार ने बदले हैं और इसके बाद 261 नए प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए स्कूलों में लगाए जाने हैं। ये फाइल सचिवालय में लगभग तैयार हो गई है। इससे पहले नगर निगम चुनाव थे तो शहर में आचार संहिता भी लगी हुई थी, अब आचार संहिता हट गई है, तो ऐसे में 261 जो नए प्रिंसिपल है वो स्कूलों को मिल सकते हैं और इनकी जो फाइल है वो लगभग तैयार है। इसमें स्टेशन लगना मात्र बाकी है। सोमवार से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि इनके जो प्लेसमेंट के ऑर्डर है वो जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोर्ट में चल रहे जो मामले हैं जिसके कारण प्रमोशन रुकी हुई है, भर्तियां रुकी हुई है स्कूलों में, उस प्रक्रिया पर एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें महाधिवक्ता को भी बुलाया गया है। शिक्षा मंत्री कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन पर लगी रोक पर एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट लेना चाहते हैं और कोर्ट में चल रहे बाकी मामलों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि जो मामले कोर्ट में नहीं है बैचवाइज आधार पर जो है स्कूलों में भर्तियां की जाएगी और जो कोर्ट के मामले हैं सरकार उनको भी देखेगी कि उनमें किस तरह से जो है निपटा जा सकता है।
बीआरसीसी भर्ती की बात भी करना चाहेंगे। दरअसल भाषा अध्यापकों ने बीआरसीसी पदों के लिए टीजीटी को के साथ साथ अन्य शिक्षकों को भी पात्र बनाने की प्रदेश सरकार से मांग की है। इनका कहना है कि बीआरसीसी का जो पद है वो काफी अहम होता है और इसमें कई कामकाज जो है स्कूलों से जुड़े देखे जाते हैं, तो ऐसे में इसमें प्रिंसिपल लेवल की जो टीचर्स है उन्हें भी जो है पात्र माना जाना चाहिए, केवल मात्र टीजीटी को ही इसमें ना लिया जाए। और इसका इनका कहना है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में ये जो बीआरसीसी है सेवाएं देते हैं, स्कूलों में कई तरह की सुविधाएं इनसे ली जाती है, तो ऐसे में प्रिंसिपल को भी इस कैटेगरी में लाने की जो बात है वो भाषा अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से की है। नीट एग्जाम की बात करना चाहेंगे, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की जो परीक्षा है वाली है, इसके लिए पूरे प्रदेश में सेंटर्स बनाए गए हैं। शिमला जिला की बात करें तो यहां पर 10 सेंटर है जहां करीबन जो है 3000 बच्चे इस परीक्षा को देंगे। और परीक्षा की पाबंदियों की अगर बात करें तो यहां पर जो है मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप आदि ले जाने की जो इजाजत है वो सेंटर्स में नहीं है। 1:30 बजे के बाद ये परीक्षा होनी है, यानी 2 बजे से परीक्षा होनी है, तो 1:30 बजे ही यहां पर प्रवेश मिलेगा। उसके बाद जो एंट्री गेट है उसे बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसमें यह कहा गया है कि जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी आधी बाजू की जो टी शर्ट है उन्हें पहनना जरूरी होगा, फुल बाजू की टी शर्ट वो नहीं पहन सकते। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है कि वे झुमके, अंगूठी या पायल आदि जो है इस परीक्षा में नहीं पहन सकते। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात भी करना चाहेंगे, दरअसल सीएम सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो है दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से भेंट करेगी और इस दौरान ये माना जा रहा है कि संगठन में किसे नई जिम्मेवारियां दी जानी है इस बारे में फैसला हो सकता है। सांसद प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि पार्टी में जो अहम जिम्मेवारियां मिलनी है उस बारे में ये चर्चा की जानी है। अभी नगर निगम का हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव जीता है और ये ऐतिहासिक जीत जो है कांग्रेस ने ली है और ये बड़ी जीत जो है कांग्रेस की रही है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की के ऊपर जो है जीत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस बारे में जो है आला कमान से चर्चा की जाएगी।